हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक बहुत बड़ा न्यूज़ अनाउंस हो गया है कल के डेट में, आपका फिर से रीनीट एग्जामिनेशन होने वाला है। लेकिन किन का, क्या आप लोगों का हो रहा है? आपने ये सोचा, आपने ये सुना? सिर्फ उन अफेक्टेड बच्चों लोगों का हो रहा है, और जिसका नंबर है ओनली 1563 स्टूडेंट अफेक्टेड हैं। क्या 24 लाख में? ये बात रियली है, सच है? अगर आप लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा मानते हैं, तो प्लीज़ इसे होने दीजिए, और नहीं तो फिर से आप लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कीजिए और कहिए कि मैं भी अफेक्टेड हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं हुआ है, मुझे भी अपने स्कोर कार्ड से प्रॉब्लम है, मुझे भी परेशानी है भैया, मुझे भी एक मौका और मिलना चाहिए इस एग्ज़ाम को देने का। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सभी बच्चे अफेक्टेड हैं, सभी बच्चे प्रॉब्लम में, क्योंकि जिनका स्कोर 700 प्लस आया है या 690 प्लस आया है, डेफिनेटली वो सोच रहे होंगे कि चलो भाई ठीक है। लेकिन इस बार जो 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आया है ना, ये 67 स्टूडेंट का, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, और ये कतई एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है कि क्या ऐसा हो सकता है। अगर मैं कहूंगा कि ये 67 स्टूडेंट हैं, उनको ही केवल री एग्जाम करवा दिया जाए, तो देखिएगा बहुत बड़ा भांडा फूट के निकल जाएगा। इट्स मीन आपको ये पता चलेगा कि उस 67 में से शायद एक दो ऐसे शार्प बच्चे होंगे जो जेन्युइनली तरीके से वो एग्जाम में बैठे होंगे और पास किए होंगे, लेकिन आई थिंक मोर देन 90% स्टूडेंट जो हैं वो फेल कर जाएंगे। इट्स मीन उनका स्कोरिंग कम होगा। तो डेफिनेटली स्कैम की बातें, अगर स्कैम नहीं होती तो इतना बड़ा चर्चा, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं होता। ये स्कैम है, बिल्कुल है, मैं भी ये मानता हूँ। बहुत सारी कंट्रोवर्सियल न्यूज़, बहुत सारे नीट एस्पायरेंट्स के न्यूज़ आए, पटना में भी कई जगहों पर पकड़ाया गया है जो बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहे थे, फिर पेपर लीक की बातें सामने आई, राजस्थान में सेंटर्स पे प्रॉब्लम हुआ, गुजरात में सेंटर्स पे प्रॉब्लम हुआ। तो ये सब बातें हैं, बिल्कुल मैंने ये सुना भी, और मैं इसे एक्सेप्ट भी करता हूँ कि दिस आर वेरी स्कैम। लेकिन जो स्टूडेंट अपने बदौलत अच्छे मार्क्स पास करके लाए होंगे, अब बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि प्रीवियस ईयर में ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने 690 नहीं लाया, 700 नहीं लाया, 720 आउट ऑफ 720 नहीं लाया, एक दो तो जरूर थे। तो इस बार भी वैसा हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का मेहनत है, सालों भर का मेहनत है, साल भर को इंस्टीट्यूशन, अदर इंस्टीट्यूशन, सेल्फ स्टडी, फिर उसके बाद बहुत ऐसे जगहों पर जाके अपनी पढ़ाई करना और अपने आप को शार्प बनाना इस एग्जामिनेशन को लेके, ये बहुत ही मेहनत वाली बात होती है। और ये जो नीट का एग्जाम है, कोई इट इज़ नॉट अ स्मॉल गेम, इट इज़ अ वेरी बिग टारगेट, बिग गेम। ये सबसे संभव नहीं हो पाता है। हमारे भी सेंटर्स पे बहुत बच्चे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनका भी ये स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं आया इस बार के एग्जामिनेशन में, कोई 400 है, कोई 500 है, कोई 600 है, ऐसे करके। तो क्या उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा? वो भी बोल रहे थे कि सर ऐसा नहीं कि सभी सेंटर्स पे प्रॉब्लम हुआ है, कुछ सेंटर्स पे प्रॉब्लम हुआ है, सभी सेंटर्स पे ये कहा जाए कि धांधली हुई है, तो मैं ये बात तो नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे भी स्टूडेंट्स जो हैं वो जाके एग्जामिनेशन दिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है। हाँ, जिन जगहों पर प्रॉब्लम है, उन जगह का अगर लिया जा रहा है तो वो सही बात है। जैसे 1563 स्टूडेंट का जो स्कोर कार्ड है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल न्यूज़ चल रहा था कि क्या होगा क्या होगा, एनटीए इसको लेके ग्रेस मार्क्स भी दिए स्कोर कार्ड पे, लेकिन ये बात यहाँ पर नहीं बनी। उस ग्रेस मार्क्स को हटा के अब डेफिनेटली फाइनल बिग कमिटी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इनका फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, और वो एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट हो रहा है वो है 23 जून को। भैया 23 जून संडे पड़ रहा है, इस दिन आपको जो डेट है 23 जून, टाइम है 2:00 PM to 5:20 PM तक आपका एग्जामिनेशन चलेगा, और आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो केवल एक हफ्ते के अंदर, यानी 30 जून को रिजल्ट आ जाएगा। ये 1563 बच्चे का, यानी 1563 केवल। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए, तो अभी वक्त है, आज का जो डेट है वो है 14, अभी आपके पास 1 week to 10 days का टाइम है। अगर शायद एनटीए मान जाती है, उन बच्चे लोग जो और ज़्यादा अफेक्टेड है, सोच रहे हैं कि मुझे भी एग्ज़ाम होना चाहिए, मेरा भी एग्ज़ाम हो, तो प्लीज़ आप लोग आवाज़ उठाइए। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं, बहुत सारे मीडिया हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं ये बात हमेशा उठा रहे हैं, और शायद एनटीए के कानों तक ये बात पहुँचे, और फिर से आप लोगों को जो भी परेशानी है तब ये सॉल्यूशन हो पाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 1563 बच्चे का केवल एग्जामिनेशन ले लेना ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि और सब बच्चे लोग जो भी, जिनको लग रहा है कि नहीं यार ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है, तो वो सब बेचारे अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि ये सालों भर की मेहनत, कई लोगों को 2-3 साल की मेहनत होती है, और फिर ये यूं ही चला जाना ये सही नहीं है।
कई न्यूज़ तक तो मैंने ये सुना कि अपने स्कोर से खुश ना होकर कुछ बच्चे लोग सुसाइड भी कर लिए, तो क्या ये सही है? क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य, यही आगे जाके डॉक्टर्स बनेंगे, और अगर ये डॉक्टर्स बनेंगे तभी तो हमारा देश और अच्छा बनेगा, और कई देश में ऐसे लोगों की ये सहायता करेंगे जो अनेबल हैं, जो लगता है कि ये इधर उधर फैलते हैं इलाज कराने के लिए। अगर ये अच्छा डॉक्टर्स बनेंगे तभी तो हमारे देश का भविष्य भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है कि नहीं मुझे भी एग्ज़ाम को फिर से देना है, तो फिर एनटीए को लेटर लिखिए या फिर प्रोटेस्ट कीजिए, एनटीए तक ये बात पहुंचाइए, और एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका जो जीमेल है उसके मेल आईडी पर मैसेजेस कीजिए, इतने मैसेजेस कर दीजिए कि उसका मैसेज बॉक्स फुल हो जाए पूरा, एकदम जी जान लगा दीजिए कि फिर से एग्ज़ाम हो। चलिए कुछ बातें फैक्ट्स बात कर लेते हैं कि ये नीट री एग्ज़ाम जो हो रहा है इसमें कौन अपीयर कर सकते हैं, ये एग्जामिनेशन री एग्ज़ाम क्यों हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, तो मैंने ये बात बता दिया कि 1563 बच्चे ऐसे थे जो अफेक्टेड थे, एनटीए ने एक्सेप्ट किया और उसे ग्रेस मार्क्स दिया, लेकिन यहाँ पे बात नहीं बनी, इसीलिए फिर से इनका एग्जामिनेशन हो रहा है। तो ये अफेक्टेड बच्चे हैं उन्हीं को, जिनका एक लिस्ट तैयार किया गया है। अगर आपको लगता है कि मैं भी इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करूं तो बिल्कुल आप पार्टिसिपेट कीजिए, और लेकिन इससे पहले आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपने अंदर हिम्मत जगानी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने कदम को आगे बढ़ाइए, मास ग्रुप बनाइए और फिर आगे ये फॉरवर्ड कीजिए, तभी आपका एग्जामिनेशन होगा। और शायद मैं भी आप लोगों से इस बात के लिए सहमत हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, क्योंकि तभी आप लोगों के साथ, ठीक है ना, एक जो कहा जाता है कि इंसाफ वो हो पाएगा। नहीं तो ऐसे 1563 बच्चे के लिए केवल री एग्ज़ाम करवाना, फिर और सब बच्चे जो 24 लाख में हैं या 24 लाख में पेयर हुए थे एग्जामिनेशन में, कहाँ जाएंगे वो सब? उन लोग का भी तो सपना होगा, उन लोग को भी तो ऐसा लग रहा होगा कि मेरे साथ धांधली हुई है। और मैं तो कहूँगा कि जो 67 स्टूडेंट है ना, जो 720 आउट ऑफ 720 लेके आए हैं, उनको फिर से री एग्ज़ाम में बैठा दीजिए। ऐसा सुनने के लिए मुझे मिल रहा है कि जो स्टूडेंट एक ही सेंटर से, जैसे 7 स्टूडेंट ऐसे हैं, 6-7 स्टूडेंट जिनका 720 आउट ऑफ 720 आया है, तो शायद वो भी इनमें शामिल किए गए हैं। तो देखिए क्या होता है इस बार, उनका कैसा रिजल्ट आता है, इससे भी पता चल जाएगा कि क्या है। दोस्तों, जो आपका री एग्जामिनेशन होने वाला है उसका एडमिट कार्ड आप 18 से शायद डाउनलोड कर सकते हैं 18 तारीख से, यानी इट्स मीन आपको विद इन अ वीक के अंदर में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा, और वहां से फिर आप अपने सेंटर्स के बारे में जान सकते हो। चलिए आज का वीडियो इतना ही। आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ पता चला हो, समझ में आया हो कि मैं भी आप लोग के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, क्योंकि कुछ भाई लोग जो प्रीवियस वीडियोस मेरे ना देखते हुए रिसेंट का वीडियो देखे थे, तो मैंने बनाया था कि आपको 720 से 500 के बीच में क्या मिलेगा, तो इन लोगों को क्या मिलेगा। देखिए एक्चुअली में देखा जाए तो ये मैंने पहले भी कहा था कि एनटीए को फिर से री एग्ज़ाम करवाना, यानी रीनीट करवाना एक बहुत बड़ा वर्क है, एक बहुत बड़ी रणनीति फिर अपनानी पड़ेगी। अगर 24 लाख बच्चे को फिर से एग्ज़ाम लिया जाए तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हाँ, जो बच्चे लग रहे हैं कि मुझे अफेक्टेड है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, उनको लेना उनके लिए संभव है। मैंने ये भी कहा था कि शायद ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, हुआ लेकिन कम हुआ, 10% से भी बच्चे कम है। अगर मैं बात करूं 24 लाख बच्चे बैठे थे तो 10% 2,40,000 हो जाएगा, तो 2,40,000 कहाँ है, उसका रेशियो 1% के बराबर में आप मान के चलिए, ठीक है, 1% पे अगर बात करें तो 2400 बच्चे होंगे, उसका 0.5% में 1500 कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या 1500 बच्चे एग्जाम देने के बाद सब सेटिस्फाइड हो जाएंगे? तो कुछ वीडियोस मैंने इसको लेके प्रीवियस टाइम से बना रखा है, बहुत सारी बातें कर रखी हैं, लेकिन कुछ भाई कुछ दोस्त लोग ने ये वीडियो देख के अभी जज कर लिया कि आगे अभी कई बच्चों को सीट नहीं मिला है, ये नहीं मिला है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन जो दावेदारी पेश करने वाले हैं उनके लिए भी तो मुझे बनाना है ना। अगर उनको ऐसा लगता हो कि ये वीडियो शायद मैं बस यूं ही बना रहा हूँ ये देख के कि एनटीए कहीं पक्ष ले रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी है भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आप लोग के साथ हूँ, बस मेरा जो काम है आगे के फर्दर अपडेट्स करना, मैं वो कर रहा हूँ कि आपको क्या मिल सकता है क्या नहीं, 650 से प्लस वालों को क्या, और इस तरीके से मैं अपना काम करते रहूँगा। इफ़ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, इफ़ यू आर नॉट देन आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन जो मेरी काम है मैं तो वो करता ही रहूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, एंड आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, और बहुत सारे अभी अपडेट्स आने वाले हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा, और हमेशा बेस्ट ऑफ लक बोलते रहूँगा। बहुत जल्द मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।